सबसे पहले हम संपूर्ण दर्शक महानुभाव जो है हम उसको दिल से नमन करते हैं। तो हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप जो लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइज बढ़िया होंगे। और नवरात्रि में जो रामलाल है ना, वो आएंगे हमारे गांव के पड़ोस में झाजपट्टी में, तो फिलहाल उससे हम मिलने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी मिलाएंगे। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, तो फिलहाल अभी तो हम जाएंगे नहीं, तो अभी थोड़ा दिन था ना तो वीडियो देखने में अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन बाद में कि जितना भी होगा जो रात को दिखाएंगे, लेकिन गाइस पूरा प्रयास करेंगे कि मैथिली स्टार रामलाल उससे मिलाएंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए कितना इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा और जितना भी हो सकता है हमसे कवर उतना भी मिलाऊंगा और उसके सारे टीम से भी मिलाना चाहूँगा। वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वीडियो डे तो दिखाइए देंगे। तो फिलहाल अभी कहीं जाते हैं तो देख लेना, तो फिलहाल चलो चलते हैं, जा रहे हैं लेकिन मेला गाइज, लेकिन दूसरे जगह जा रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अभी मेला, तो तैयार रहना गाइज, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और रामलाल के मजे लीजिए। गाइज मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले माँ का दर्शन कर लेता हूँ, चाहे छोटा मेला हो या बड़ा मेला हो, पहले माँ के दर्शन कर लेता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं मंदिर में जा रहा हूँ और यहाँ से माँ ताजी को दर्शन करेंगे, इसके बाद चलेंगे। तो चलो जाते ही यहाँ पे पहले मतलब मंदिर में आकर के माता को दर्शन किया, इसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पे जो पब्लिक का भीड़ था वो कहना मुश्किल था, करीब करीब अगर 5,000 से कम नहीं होगा यहाँ पे पब्लिक। यार इतना भीड़ कभी नहीं देखे थे, खास करके इस मेले में। यार रामलाल को तो हम पहले भी देखे थे लेकिन इस तरह का नहीं, यार इतना भीड़ है इसका जवाब नहीं। तो भैया अभी प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी तो मिलेगा नहीं, तो फिलहाल प्रोग्राम से आते हैं, इसके बाद मिलेंगे। तो गाइज मैं बता दूं कि जब मतलब था जो पब्लिक में हम थे और यहाँ से हमको मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तो पर भी सोचे और भीड़ इतना था ना, इसका जवाब नहीं था। तो भीड़ में चंचल बनना अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही मतलब भीड़ में मतलब चंचल बना और धीरे धीरे आगे गए। ज्यों ही मतलब रामलाल भैया का जो प्रोग्राम खत्म होने ही वाला था, लगभग आधे घंटा का प्रोग्राम बचा था, तो हम धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगे। तो चलो देखते हैं कि करीब पहुंच करके क्या हुआ। तो फिलहाल गाइस हम रामलाल के पास हैं, यार बिलीव नहीं हो रहा है कि इसके पास है, बहुत नजदीक में हम दिखाते हैं। वहाँ पे देखो रामलाल भैया, उससे मिलेंगे यार, मिलता है या नहीं उसको कहना मुश्किल है, लेकिन मिलने की कोशिश जरूर मैं करूंगा गाइस। फिलहाल गाइस हम इससे बात किए हैं तो ये बोला कि हाँ ब्लॉग बना सकते हैं, तो फिलहाल हम देखते हैं। यहाँ पे भाभी जी हैं, वहाँ पे जो इसकी माई है वो है, और यहाँ पे जो रामलाल जी हैं। फिलहाल गाइस जी भाभी हैं, कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। तो फिलहाल इसके पास गए भाभी के पास, तो इसके बोले कि मतलब वीडियो बना सकते हैं, तो पहले तो हाँ कर दिए थे लेकिन बाद में बोला कि यार वीडियो मत बनाओ केवल फोटो खींच लो, तो मैं उससे फोटो खींच लिया और चलते हैं रामलाल भैया के पास। फिलहाल गाइस हम रामलाल भैया के पास आ चुके हैं और ये अभी कपड़ा पहन रहे हैं, तो बोला कि कपड़ा पहन लेते हैं इसके बाद हम बात करेंगे। फिलहाल गाइस भैया पूरा तैयार हो चुके हैं और इससे मतलब मिलने का बिलीव नहीं हो रहा है कि हम हकीकत में मिल रहे हैं। तो देखो हमारे पास ही बैठे हुए हैं और ये मैथिली का ये स्टार है, कहना मुश्किल है कि हमसे मिला, लेकिन बहुत अच्छा यार, हमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, इससे खुशी यार। ऐसा कोई स्टार नहीं होगा जो मिलेगा आम आदमी से, आम यूट्यूबर से, लेकिन ये भैया है जो इतना बड़ा स्टार होकर के और हमसे मिल रहा है, तो इससे पूछते हैं यार कैसे किया और हम लोगों का भी सपोर्ट कुछ करे, तो बताइए भैया। देखिए आप जो स्टार बोल रहे हैं वो आपका मानता है, स्टार पब्लिक है, स्टार दर्शक हैं। जब दर्शक से प्यार नहीं करेगा स्टार तो क्या चीज़ का स्टार। सबसे पहले हम संपूर्ण दर्शक महानुभाव जो है हम उसको दिल से नमन करते हैं, ये मेरा भगवान है। तो स्टार हम नहीं, स्टार जो है जो दर्शक पब्लिक भगवान है, इसीलिए मैं उसको नमन करना चाहता हूँ। और गाइज आपने क्लिप सुन लिया कि कितने अच्छे रामलाल भैया हैं, जो क्या बोले कि स्टार हमने इतने बड़े पैगामे पे जा कर के और ये बोलता है कि हम स्टार ने, स्टार हैं पूरे दर्शक लोग, पब्लिक लोग। यार मैं भी मानता हूँ, पहले यार गलती से निकल गया लेकिन मैं भी मानता हूँ, अगर पब्लिक ना ही होता तो रामलाल भैया अभी वहाँ तक नहीं पहुँचते, और काश मैं भी पहुँचूँगा वहाँ तक, और हमको विश्वास है आप लोगों पे वहाँ तक हमको पहुँचाने में आप मदद करोगे। और गाइज काश आप लोग नहीं होते तो रामलाल भैया वहाँ तक नहीं पहुँचते,
तो और आगे बात करते हैं। और आप जो अभी मेरे साथ है, आपसे मिलकर खुशी हुआ। और अभी हम जो हैं, एक कौन जिला है, मधुबनी जिला के झांसपट्टी में प्रोग्राम में आपका नाम क्या है? साजन कुमार से मिल करके हम बहुत खुश हुए। चलिए साजन जी, अभी कार्यक्रम में हम व्यस्त है, फिर आपसे बात करेंगे। भाई जी, हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि मैथिली में कुछ बोलिए यार, हम जो मेरा जो है ना मैथिली भाषा, उससे मिल करके मैं भी बात करता हूँ मैथिली में। नाम की बोले अपने के? हमारा नाम भेल साजन कुमार। हाँ। अपने गौरवशाली लोग छी। हाँ। अपने कला का ये सम्मान करी छी। हाँ। एक हम अपने का दिल से धन्यवाद देव चाहब। वास्तव में कलाकार लोग का हंसाबे छे, ऐ हंसी के संग में दुखो भी छुपल रहे छे। ते द्वारा सा दुख आ सुख दोनों भाई छे। अपने मिल लिए, हमरा से बड़ा खुशी लागल। रहते जिंदगी तो फिर अहाँ से मिलबे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते रहे तो गाइज, आप सब देख लिए कि रामलाल भैया से मिल चुके हैं। तो फिलहाल गाइज, मैं अपने रामलाल भैया से मिल चुका हूँ, और मिलने के बाद यार इतना खुशी हुआ ना, इसका जवाब नहीं। लेकिन यार इसमें एक खासियत था कि किसी से हेट नहीं करता था, जो भी मतलब वीडियो बनाना हो तो वीडियो बनाए, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाए। मतलब सिंगल मैं ही था जो वहाँ पे जाकर के वीडियो बनाया, किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि बोलने, लेकिन बोलने सब वीडियो बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन कोई नहीं। जब मतलब वीडियो बना रहे थे तो बहुत सारे वीडियो भी बनाए और साथ में फ़ोटो भी खींचे, और इससे मिल करके हमको बहुत खुशी मिला। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, वो मैथिली है या हिंदी है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बोलिएगा कि मैथिली में ब्लॉगिंग करें, तो मैं मैथिली में ब्लॉगिंग करूँगा। और मेरा जो भाषा है वो मैथिली है, और हम हिंदी इसलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं मैथिली हिंदी में, कि क्योंकि गाइज मतलब हिंदी सकदर चलता है ना, इसीलिए मतलब मैं हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और हिंदी में थोड़ा टूटा फूटा आ रहा है, और मैथिली में बहुत अच्छे तरह से होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब हिंदी में करेंगे या मैथिली में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप जो आपको ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। प्रोग्राम रुक चुका है, और देखो इतना में पूरा सुना और बारिश हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे चलते घर पे यार, क्या ही बताओ यार, हम दो बस बच गए हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो चलो, अन्य बल्ला है धासु बल्ला।